नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है। समान काम समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगामी 12 जुलाई को सुनवाई होना है। जैसे जैसे 12 जुलाई का समय नज़दीक आता जा रहा है, शिक्षकों में संघर्ष की रणनीति तैयार होता जा रहा है। नियोजित शिक्षक अब कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। दायर एसएलपी वापसी को नियोजित शिक्षकों ने अब ट्यूटर के माध्यम से संघर्ष शुरू कर दिया है। नियोजित शिक्षकों ने अब अपनी लड़ाई के लिए सोशल मीडिया के सबसे सबसे सशक्त माध्यम ट्विटर को हथियार बनाया है। समान काम समान वेतन मामले में नियोजित शिक्षकों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर किए गए वाद में पटना उच्च न्यायालय के फैसले को अक्षरशः लागू करवाने के लिए नियोजित शिक्षकों ने SWUSP के हैशटैग के साथ ट्विटर वार छेड़ दिया है। इस सोची समझी रणनीति के तहत विगत एक सप्ताह से ट्विटर पर सक्रिय सैकड़ों नियोजित शिक्षकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा दायर एलपीसी वापस लो के मांग को लेकर रोजाना हजारों की संख्या में लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। इस ट्वीट की मुख्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अलावे बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर बिहार, PMO इंडिया, CMO बिहार, HRD इंडिया, प्रकाश जावड़ेकर सहित सभी विपक्ष के नेताओं व मीडिया घरानों व पत्रकारों को लक्ष्य कर लिया जा रहा है। इस मामले में इस अभियान से जुड़े शिक्षक नेताओं ने बताया कि इस ट्यूटर वार में अमित शाह व नीतीश कुमार को यह बताया जा रहा है कि यदि नियोजित शिक्षकों को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार समान काम समान वेतन की नीति से वंचित रखा जाएगा तो बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों व उनके परिवार 45 लाख मतदाताओं का दम दिखाकर 2019 में लोकसभा व 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारियों का खेल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इधर समान काम के बदले समान वेतन के मसले को शिक्षक संगठन अब सोशल मीडिया तक जारी रखते हुए विभिन्न संगठन अग्रसर दिख रहे हैं। बिहार के दर्जन भर शिक्षक संगठनों में शामिल परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इस दिशा में दूसरे शिक्षक संगठनों को गोलबंद करने की तैयारी शुरू की है। संगठन के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने बताया कि बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन के लिए संघर्षरत हैं। पटना हाईकोर्ट ने सरकार को नियोजित शिक्षक को यह सुविधा देने का निर्देश दिए थे। गौरतलब हो कि नियोजित शिक्षकों के मामले में समान काम समान वेतन को लेकर आगामी 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना तय है। चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर